कच्चे चावल का नाश्ता बनाने के लिए एक कप चावल यानी 150 ग्राम चावल को मैंने 2 से 3 बार वॉश किया और इसे ओवरनाइट भिगो कर रखा। टाइम नहीं है तो 5 से 6 घंटे के लिए भिगो सकते हैं, नॉर्मल कोई भी चावल ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब मिक्सी का एक जार ले लेते हैं और सारे चावल को हम मिक्सी के जार में डाल लेते हैं। इसके साथ ही मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू उबाल लिए हैं, आलू को हम डाल देते हैं। इसके साथ ही हम थोड़ा सा पानी डालकर इसको पीस के तैयार करेंगे। तो अब इसे एक बोल में निकाल लेते हैं, इस तरीके का ये बैटर होना चाहिए। तो अब इसके लिए हम 3 से 4 हरी मिर्च ले लेंगे, थोड़ा सा अदरक, इसको पीस के तैयार करेंगे और बैटर में मिक्स कर देंगे। अब इस बैटर को 5 से 6 मिनट के लिए हम ढक कर रख देंगे और अब एक मज़ेदार सी चटनी बना के तैयार कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए एक पैन में 1 टेबल स्पून तेल डाल देंगे, इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे, 1 टेबल स्पून चने की दाल डाल देंगे। दोनों चीज़ों को हम 2 मिनट तक के लिए भून लेंगे। इसके बाद इसमें 5 से 6 लहसुन डाल देंगे और इसके साथ ही 4 से 5 हरी मिर्च और 1/2 इंच अदरक डाल देंगे। सारी चीज़ों को भून लेते हैं। जब ये हल्का सा लाल हो जाए, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, तो ठंडा करके मिक्सी के जार में डाल देंगे। थोड़ा सा फ्रेश पुदीना धोकर डाल देंगे। इसके साथ ही हम फ्रेश हरा धनिया डाल देंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक डालें, 1/2 चम्मच डाल दिया है। 1 टेबल स्पून दही डाल देंगे और थोड़ा सा लेमन का रस इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो नारियल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को पीस लेंगे। 1 टेबल स्पून पानी डालकर मैंने इसको पीस लिया है और इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने तेल लिया था, तेल में 1/2 चम्मच राई और कड़ी पत्ता डालकर फ्राई कर लिया है। चटनी में डाल देते हैं, चटनी तैयार हो गई है। मैंने सारे बैटर को एक बड़े बोल में डाल लिया है। 1 टेबल स्पून फ्रेश दही डाल देंगे और अच्छे से बैटर में मिला देंगे। इसके बाद टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दें, तो 1 छोटा चम्मच नमक डाल दिया है मैंने। अब यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ले लेंगे। टमाटर लिया है 1 छोटे साइज़ की शिमला मिर्च और 1 मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है। आप चाहें तो फ्रोज़न मटर या फिर गाजर का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 5 करी पत्ते डाल देंगे, फ्रेश हरा धनिया डाल देंगे और सारी चीज़ों को हम बैटर में मिक्स कर देंगे। आपके घर में जो भी सब्ज़ियाँ हैं वो आप डाल सकते हैं। घर पे जो भी आपके पास सब्जियां रखी हुई हैं उसी को डालकर भी आप बना सकते हैं। तो 1 टेबल स्पून इसमें पानी डाल देंगे। बैटर अभी थोड़ा थिक लग रहा है तो अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे 1 सैशे मैंने इनो फ्रूट सॉल्ट का लिया है, इसमें 1/2 डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच पानी डाल देंगे ताकि अच्छे से इनो एक्टिवेट हो जाए और इस बैटर में अच्छे से मिला देंगे। इनो डालने के बाद आपको ज़्यादा देर बैटर को नहीं रखना है, तुरंत आप इसे बनाएं। तो एक मैंने पैन ले लिया है, 1 छोटा सा चम्मच इसमें तेल डाल देंगे और पैन को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। 2 से 3 चम्मच भर के हम इस बैटर को डाल देंगे। अगर आपके पास पैन थोड़ा छोटा है ना तो उसमें भी बना सकते हैं, उसमें और अच्छे बनेंगे ये। इसको ज़्यादा नहीं हमें फैलाना है, जितना बड़ा पैन है ना अपने आप शेप में आ जाएगा। कवर कर देंगे इसे 2 से 3 मिनट के लिए स्लो गैस पर। तो ऊपर थोड़ा सा इसके ऑयल लगाएंगे और इसे पलट देते हैं हम। पलटने के बाद दूसरी साइड से भी अच्छे से सिकने देंगे। तो इस साइड से भी मैंने इसे 3 मिनट के लिए सेक लिया। देखिए नाश्ता बनके तैयार हो गया है। ये बहुत ही हेल्दी होता है, आप इसे बहुत ही मज़ेदार से इस तरीके से चटनी के साथ ट्राई कर सकते हैं। जब भी आपको कुछ हल्का फुल्का हेल्दी खाना है कम तेल का, तो आप इस नाश्ते की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। कच्चे चावल का ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी होता है, कभी भी आप इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।